हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो वीडियो है ये है मीशो क्लोथिंग हॉल के बारे में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन को, जिस तरह से इमेजेस भी तो उस तरह से ड्रेस रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। फर्स्ट हम देखेंगे ये वाला ड्रेस जो फुल कुर्ता सेट है। तो गाइस, ये है फर्स्ट कुर्ता। अब इसमें बोल सकते हैं इसको अम्ब्रेला फ्रॉक है। इसका जो कलर है ना गाइस, बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। इसका राउंड नेक मिलता है आपको और नेक पे इस तरह से ना गोल्डन कलर का गोटा पट्टी का यहाँ पे फिनिशिंग दी हुई है, फ्रंट और बैक दोनों जगह पे। और सामने ना फ्रंट में इस तरह से आपको बटन दिए हुए, सिर्फ बटन से ओपनेबल नहीं, ओपन नहीं होते हैं। आप देख सकते हो ये जो है ना प्रिंट है गाइस, ये एम्ब्रॉयडिंग नहीं है, पूरी तरह से फुल ड्रेस पे प्रिंट किया हुआ है। इतना अच्छा कलरफुल रोज प्रिंट किया हुआ है गाइस, पहनने के बाद में काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि ये एम्ब्रॉयडिंग किया हुआ है। और जो प्रिंट है वो थोड़ा सा 3D प्रिंट जैसा नज़र आता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि नीचे जो उसका घेरा है फ्रॉक का, काफ़ी अच्छा घेरा है। ये मैंने 4 times फोल्ड किया, कैमरे में आ भी नहीं रहा था। तो बहुत ही प्यारा है और एलिगेंट ड्रेस है। और ये जो कलर है कॉम्बिनेशन से इतने अच्छे लाइट कलर्स यूज़ किए हुए, हर एक स्किन टोन पर बहुत ही अच्छा लगेगा गाइज। आप इसे किसी फंक्शन में, छोटे ओकेशंस में, फेस्टिवल्स में आप इसे वेयर कर सकते हो सिंपल ज्वेलरी के साथ में, तो काफ़ी प्यारा लगेगा। और जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, कॉटन मटेरियल आएगा। और इसका बॉटम में इस तरह से आपको मिलती है पैंट, पिंक कलर की स्ट्रेट पैंट रहेगी ये। आपको दोनों साइड से इलास्टिक मिल जाएगा और इसमें साइज बहुत सारे साइज अवेलेबल है गाइस, आप देख सकते हो। आई थिंक स्मॉल से लेकर 3XL तक अवेलेबल है, तो आप परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से थम्स अप है इस ड्रेस के लिए 100%। इस तरह से आपको पैंट जो मिलेगा इसका इतना आपको चौड़ाई मिलेगा, स्ट्रेट पैंट है, आप इसको एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हो या फिर पैंट के साथ में आपको, या फिर आपको के पास में अगर कोई लेगिंग्स वगैरह चूड़ीदार का वो भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। और लास्टली ये है दुपट्टा, उसके साथ में फुल कॉटन का दुपट्टा है गाइस। मटेरियल वाओ, एकदम वाओ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हो कि दुपट्टे की जो बॉर्डर है चारों तरफ इस तरह से फिनिशिंग दी हुई है, गोटा पट्टी के लेस का काम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर का यहाँ पे ना फिनिशिंग दी हुई है, तो इसलिए पिंक कलर का यहाँ पे पैंट रखी हुई है। तो लुक वाइज अमेजिंग है, दुपट्टे की जो लंबाई है वो भी काफ़ी अच्छी है। और जो कलर्स यूज़ किए हुए, हर एक कलर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो। आप इस पर कोई भी कलर का लेगिंग्स वेयर कर सकते हो, अगर आपको पैंट नहीं चाहिए, ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है, पिंक है, इवन व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, तो वो भी आप वेयर कर सकते हो। और दुपट्टे को कोई भी अदर जो ड्रेस होगा आपका, जो फुल वाइट ड्रेस है, उस पर भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड ये लिया है मैंने पर्पल कलर का। ये ड्रेस ना काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी गाइस, परचेस नहीं है, तो फाइनली भी मुझे मीशो पे ऑफर मिला तो ये मैंने परचेस कर लिया है। तो दैट टाइम मेरे साइज में अवेलेबल नहीं था। तो ये इस तरह से रहेगा नेक का पैटर्न, जिस तरह से ये अंगरखा पैटर्न है। मेरा जो साइज मैंने लिया इसमें 2XL। ये थोड़ा सा मुझे ना लेस फ्रंट का जो नेक का वो अच्छा नहीं मिला, आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें जो निकल चुका है, बट इट्स ओके। बाकी का जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है और जो कलर है, एज इट इज रिसीव हुआ है। साइज भी एक्चुअल रिसीव हुआ है। और जो यहाँ पे देख सकते हो आस्तीन जो है इसका स्लीव से, ये 3/4 रहेगा। और यहाँ पे आस्तीन पे भी गोटा पट्टी का यहाँ पे वर्क है गाइस। ये बहुत ही ट्रेंडिंग है जो हर कुर्ते पे ये जो वर्क है, नॉट वर्क, लेस बोल सकते हैं आप इससे, लेस का जो पैटर्न है वो चल रहा है। और जो पैटर्न है नेक का वो काफ़ी अमेजिंग है। और सबसे अच्छी जो इसकी बात है, USP है इसका, ये है ये टैसल, ये आप लटकर देख सकते हो, जिसमें कितना प्यारा डिफरेंट कलर यूज़ किया हुआ है। सिल्वर को इन्होंने हाईलाइट किया है, पर्पल सिल्वर, और जो प्लाजो का जो पैटर्न है बॉटम का वो इसमें ऐड किया है, और सिल्वर यहाँ पे गोटा पट्टी के सर्कल के साथ में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एलिगेंट है। साइज़ भी एकदम परफेक्ट है गाइस, जो आपका एक्चुअल साइज़ है ना वही बुक कीजिए, क्योंकि साइज एकदम परफेक्ट है, ठीक है। घेरा गाइस, इसका घेरा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला फ्रॉक बोल सकते हैं आप उसको। आई थिंक 2-3 meters का सिर्फ इसका घेर होगा नीचे का, जो मेरे कैमरे में भी कवर नहीं हो रहा, इतना अच्छा इसका घेरा है। लुक वाइज अमेजिंग है, सिंपल एंड बेस्ट है, छोटे मोटे ओकेजन्स के लिए, पार्टीज के लिए आप इसको कोई भी सिल्वर ज्वेलरी आप वेयर करोगे, व्हाइट दुपट्टा कैरी करोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके साथ में आपको सिर्फ टॉप, आपको बॉटम वेयर मिलेगा, इसके साथ में दुपट्टा नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा है, आप इसका बॉटम देख लेते हैं गाइस। तो ये इसका बॉटम मिलेगा आपको, शरारा पैंट मिल रही है यहाँ पे, और ये स्कर्ट नहीं है, शरारा आप देख सकते हो। आपको लेकिन ना कलर कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन जब आप वेयर करते हो ना यहाँ पे उस कुर्ते के साथ में, तो कॉम्बिनेशन अच्छा खासा जाता है। ये आपको दोनों तरफ से इलास्टिक मिलेगा फ्रंट एंड बैक में,
और नीचे इस तरह से आपको शरारा पैंट है, आप देख सकते हो गाइज। जो पैंट का भी जो बॉटम है, ये वन साइड का आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा यहाँ पे फ्लेयर दिया हुआ है, फ्लेयर काफी अच्छा है। जब आप इसको वियर करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आपने टॉप के नीचे ना स्कर्ट वियर किया, बट वो स्कर्ट नहीं है, ये शरारा है। तो मेरी तरफ से थम्स अप, आप इसको परचेस करना चाहो तो डेफिनेटली मीशो से परचेस कर सकते हो, ठीक है। गाइज नेक्स्ट मैंने ये ज्वेलरी परचेस की है, नेकलेस सेट है। काफी टाइम से मैं इसे देख रही थी, बहुत सारे वीडियोस में बहुत ही ट्रेंडिंग पे थी, इवन मैंने लोकल में भी देखा था इसे, तो डेट टाइम मैं परचेस नहीं कर पाई थी, तो फाइनली मुझे मीशो पे मिला, तो मैंने मीशो से फाइनली परचेस किया। इसका डिजाइन देख सकते हो आप, इसका इयररिंग का बहुत ही प्यारा है। तो इयररिंग का पैटर्न गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इससे ज्यादा जो इसका यूएसपी, इसका जो नेकलेस आप देख सकते हो, नेकलेस बहुत ही अच्छा है ये। स्पेशली जिस तरह से मैंने आपको जो कुर्ता बताया, उस कुर्ते पर अगर आप सिंपली जो कुर्ता है उस पर अगर आप ये नेकलेस वियर करते तो बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम अच्छा लुक देगा। आप देख सकते हो नेकलेस कितना वाव है गाइस, एकदम प्यारा। यहाँ पे ये मिरर का, इसमें मिरर लगा हुआ है, तो पहनने के बाद मैं नेक पे बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो इस तरह से रहेगा ये, तो जिस तरह से मुझे इमेजेस में था, ये एज इट इज मुझे रिसीव हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर मीशो से परचेस करना चाहते हो नेकलेस, तो 100% आप परचेस कर सकते हो, थम्स अप है मेरी तरफ से। तो नेकलेस का क्वालिटी और जिस तरह से इमेज में था, मुझे एज इट इज रिसीव हुआ है, तो बहुत ही प्यारा है। आई होप आपको थोड़ा सा मेरे वीडियो से हेल्प मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगता था प्लीज मेक श्योर गाइज इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे क्लोथिंग के, ज्वेलरी के, हॉल्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।